हिमाचल प्रदेश इंटर फेडरेशन अपने हर जिला हर ब्लॉक में जो हमारा पूरा नेटवर्क है उसके थ्रू डोर टू डोर कैंपेन चलाई है, जो खास करके कांग्रेस पार्टी के 5 नए 25 गारंटीज हैं उनको डोर टू डोर लेके जा रहे हैं हम लोग, लोगों को, और उनको बोल भी रहे हैं कि आए आगे आए और अपने आने वाली जनरेशन जो है अपने लिए अपने जनरेशन के हित में जो है इस सरकार को बदले। उसके साथ साथ हमने अभी देखा है कि कल काफ़ी मन व्यथित हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री मंडी में आए और उन्होंने वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा जुमलों की भी बौछारें की और हमारी स्थानीय जनता को भी बरगलाने की कोशिश की, खास करके जो आपदा आई थी हिमाचल प्रदेश में उल्टे उस पर राहत तो लगाने की बात नहीं रही, उल्टे उसके ऊपर नमक छिड़के चले गए और सरेआम झूठ कहा कि 1700 करोड़ रुपया जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया, जबकि असली में 300 करोड़ रुपया आया और वो 300 करोड़ रुपया भी सिर्फ वो हमारा आपदा राहत में 300 करोड़ रुपया आया डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू, और अल्टीमेटली बाकी जो हिमाचल का जो क्लेम है हिमाचल को किस वक्त तो सहायता करनी चाहिए थी, जैसे उत्तराखंड के लिए सहायता की थी उत्तराखंड के त्रासदी के लिए वैसी सहायता करनी चाहिए थी, वित्तीय सहायता करनी चाहिए थी, वो सहायता नहीं की। ऊपर से जयराम जी का तो मैं क्या बोलूं, अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हालात ये हैं कि सड़क गड्ढों में है कि गड्ढे सड़क में है, बेरोजगारी का आलम ये है, और वो हमारे जो पहली बार एक गरीब घर से हमारे सुखविंदर सिंह सुखू जी मिले हैं, न्यायप्रिय हैं और जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं, उनके काम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जयराम जी आपने क्या क्या काम किया, कब क्या काम किया, ये सब लोग जानते हैं। हाँ, इतना भी क्या जल्दी है आपको कि बार बार हर मंच से आप बोलते हैं हिमाचल की सरकार जाने वाली है, हिमाचल की सरकार जाने वाली है, हिमाचल की सरकार को हिमाचल प्रदेश की जनता ने चुना है, पूरा मैंडेट दिया है, क्या ये जनता के मैंडेट का अपमान नहीं है? इतनी भी क्या जल्दी आपको है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि जो आप पिछली सरकार के जो काले कारनामे थे वो काले कारनामे जनता के सामने आ जाएंगे, आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, या आप लोग जनहितैषी नहीं है? 1500 रुपए से लेकर अभी देखते जाइए हमारे 5 न्याय 25 गारंटी पूरे के पूरे हिंदुस्तान का इतिहास बदल देगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से भी पूरी इज्जत से मैं बोलना चाहता हूँ कि महाराज आप भी यहाँ पे आए, क्योंकि वो वैसे भी महाराजा हैं देश के, यहाँ आए और मंच से जो आपने बोला कि 4 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं रहेगी, वो आप जैसे पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं है। आप तो लोकतंत्र के सेवक हैं, लोकतंत्र को आपने बचाना है, और जो मैंडेट लोगों ने दी है किसी भी पार्टी को उस मैंडेट का आपको भी सम्मान करना चाहिए, उसको सम्मान करना तो दूर की बात है, आप सरेआम वहां से बोल गए कि ये सरकार नहीं रहेगी। लेकिन आप देखिए हिमाचल प्रदेश तो क्या पूरा भारतवर्ष अब आपके कुशासन से मुक्ति की तरफ अग्रसर है, और हिमाचल में तो आपका जो इलेक्शन में सुपड़ा साफ होने वाला है, वो चाहे 6 विधानसभा क्षेत्र हो चाहे वो 4 लोकसभा क्षेत्र। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत भारती स्कूल ढालपुर कुल्लू, जिसने जीता है पिछले 50 वर्षों से छात्रों का भरोसा। स्मार्ट मोबाइल जोन शांगरी कॉम्प्लेक्स कुल्लू, जो है स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ग्लोबल विलेज स्कूल हुरला, यहां शिक्षा के साथ साथ आप सीख सकते हैं और भी बहुत कुछ। नारायणा अकेडमी कुल्लू, जहाँ होता है आपके भविष्य का बेहतरीन निर्माण। तमन्ना फैशन, आपके फैशन का सच्चा साथी। और विजन इंडिया फाउंडेशन, आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।